ओम साई राम। मेरे अंदर साई और आपके अंदर साई को भी प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम बात करते हैं बाबा के कुछ खास भक्तों के बारे में जो बाबा के साथ शिरडी में रहते थे। कितने किस्मत वाले वो लोग थे जो बाबा के साथ रहते, बाबा के साथ खाना खाते, बाबा के साथ बातें करते, बाबा की देखभाल करते। और आज जाने के बाद भी उनका नाम बाबा के साथ लिया जाता है। वो अमर हो गए अपनी सच्ची भक्ति के कारण। हम जब भी शिरडी जाते हैं तो बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद उन लोगों के घर में भी जरूर जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सच में ऐसी भक्ति हमें भी बाबा दे दो कि हमारा नाम भी आपके साथ अमर हो जाए। मेरे तो यही बाबा से प्रार्थना है। आज हम बात करते हैं बाबा के एक खास भक्त मालसपति जी के बारे में। आप सब जानते होंगे उनके बारे में। उनका नाम चिमना जी नागरे था। उनका पूरा परिवार शिरडी गांव में कई पीढ़ियों से रह रहा था। मालसपति जी ने शिरडी गांव की पाठशाला से थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी। वो जाति के सुनार थे। सुनार एक तरीके के ब्राह्मण भी होते हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। और मालसपति जी खंडोबा मंदिर में पूजा अर्चना भी किया करते थे, वहाँ के पुजारी थे। उनका पूरा परिवार खंडोबा भगवान पे बहुत आस्था रखता था। मालसपति जी बाबा की पूजा अर्चना करने वाले पहले व्यक्ति थे और बाबा को साईं नाम देने वाले भी वही पहले व्यक्ति थे। बाबा जब धूप गांव के एक मुसलमान चांद पाटिल के भतीजे की शादी में शिरडी आए तो बारात जो थी वो खंडोबा मंदिर के सामने रुकी। बाबा ने खंडोबा मंदिर की ओर देखा और खंडोबा मंदिर की ओर चल दिए। जब मालसपति जी ने बाबा को आते हुए देखा तो उनके मुंह में से अचानक ही निकला, आओ साईं। बाबा को ये नाम अच्छा लगा। बाबा ने ये नाम स्वीकार कर लिया और बाबा ने शिरडी रहना भी स्वीकार कर लिया। और तब से बाबा साईं के नाम से मशहूर हो गए। मालसपति जी की 3 बेटियां और एक बेटा था। मालसपति जी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक टूटा फूटा घर और 7 एकड़ बंजर जमीन थी जिस पर कोई भी पैदावार नहीं होती थी। और पुजारी होने के नाते उन्हें कोई भी चढ़ावा नहीं मिलता था, क्योंकि उन दिनों में शिरडी में सिर्फ 200 घर थे और कुछ लोग दान देते, कुछ नहीं भी देते, और जो भी थोड़ा बहुत आता वो मंदिर की देखरेख में लग जाता। मालसपति जी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होती हुई भी बहुत खुश रहते। वो पूजा अर्चना किया करते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे। और वो किसी से कोई उपहार भी नहीं लेते, क्योंकि बाबा के पास कई भक्त आते थे। वो मालसपति जी को उपहार देना चाहते थे, पर मालसपति जी का ये मानना था कि अगर उपहार लेने से जो ये पूजा पाठ जप ताप है सब व्यर्थ हो जाएगा। और बाबा भी मना करते थे कोई भी उपहार लेने से। बाबा कहते थे कि ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना, धन के मोह में नहीं पड़ना। मालसपति जी के जो बेटे का निधन था वो बहुत जल्दी हो गया, छोटी उम्र में ही हो गया। उसके बाद मालसपति जी बहुत परेशान रहने लगे। वो कभी कभी सुनार का काम करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया और वो बाबा के साथ मस्जिद में सोने लग गए। पर 1896 में बाबा ने उन्हें जबरदस्ती घर में सोने के लिए भेजा और कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और बाबा की बात सच निकली। 1897 में जन्माष्टमी के दिन मालसपति जी को पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र होने के बाद बाबा ने उन्हें कहा कि तुम 25 साल तक अपने बेटे की देखरेख करना, ज्यादा मोह मत लगाना। बाबा ने उन्हें संकेत कर दिया था कि तुम्हारे पुत्र की उम्र सिर्फ 25 साल है। बाबा भविष्यवाणी भी कर लिया करते थे और मालसपति को कई भविष्यवाणी बताया करते थे। मालसपति जी के साथ बाबा खूब बातें किया करते थे। एक बार मालसपति जी के बेटे के ससुर ने मालसपति जी को खाने का कोई निमंत्रण दिया, कोई समारोह था, तो मालसपति जाने लगे। बाबा से आज्ञा मांगी तो बाबा ने मना किया कि तुम वहां मत जाओ, वहां तुम्हारा अपमान होगा। पर मालसपति जी ने कहा कि नहीं, बेटी का घर है, मुझे तो जाना पड़ेगा। जब मालसपति जी वहां गए, देखा तो सब लोग खाना खा के जा चुके थे। किसी ने भी उनका इंतजार नहीं किया और ना ही खाने के लिए पूछा। मालसपति जी अपमानित होकर वापिस आ गए। बाबा की बात सच निकली। मालसपति जी बाबा जब सोने लगते तो बाबा के पास एक ईंट हुआ करती थी। बाबा के गुरु का आशीर्वाद थी। मालसपति जी उस ईंट को कपड़े में लपेटते और बाबा के सिरहाने पर रख दिया करते थे। बाबा उस पर
से रखकर सोया करते थे। एक दिन वो ईंट किसी भक्त के हाथ से टूट गई। बाबा बहुत उस दिन परेशान हुए, रोए, कहने लगे कि ये मेरा गुरु का आशीर्वाद था, ये मेरी साथी थी, अब ये चली गई तो मैं भी कई मतलब बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। एक बार मालसापति जी और बाबा सो रहे थे तो अचानक ही बाबा उठ खड़े हुए और मालसापति जी को कहने लगे कि पाटिल की पत्नी प्लेग से बीमार है और उसकी जो हालत है वो चिंताजनक है। मैं खड़ा होकर ध्यान में रहूंगा, तुम भी खड़े हो जाओ और मुझे ध्यान से मत उठाना, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी वक्त जो मस्जिद में एक न्यासा गांव का कोई व्यक्ति आया, वो जबरदस्ती बाबा से मिलने की जिद करने लगा और मालसपति जी मना करते रहे, तो उनके वार्तालाप से बाबा का जो ध्यान था वो टूट गया और बाबा फिर मालसपति को गुस्से होने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरा ध्यान भंग मत करना, अब देखो पाटिल की पत्नी जिंदा नहीं रहेगी, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। और पाटिल की पत्नी की मृत्यु हो गई। बाबा के साथ मालसपति हर वक्त रहते थे, बाबा की हर दिनचर्या में वो शामिल होते थे, कितने किस्मत वाले थे। एक दिन बाबा 3 दिन के लिए बाबा ने समाधि ली और मालसपति जी को कहा कि भक्त, मैं 3 दिन के लिए समाधि में जा रहा हूँ, तुम मेरे शरीर की रक्षा करना, अगर मैं 3 दिनों तक वापस आ गया ठीक, नहीं तो नीम के पेड़ के नीचे मेरी समाधि बना लेना। मालसपति जी बाबा का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गए तो कुछ गांव वाले आए और कुछ अधिकारी आए और उन्होंने बाबा को हाथ लगाकर देखा और कहा कि बाबा तो जा चुके हैं इस दुनिया से और बाबा की समाधि बना दी जाए। पर मालसपति जी नहीं माने, उन्होंने कुछ गांव वालों की मदद से अधिकारियों का विरोध किया और अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने अपनी भक्ति की परीक्षा दी, अगर वो थोड़ा सा भी चूक जाते तो आज हम साईं की इतनी महिमा का गुणगान ना कर पाते। और बाबा फिर 3 दिन बाद समाधि से आ गए। मालसापति जी जब 1918 में बाबा का निधन हुआ तो बहुत रोए, 13 दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बाबा के उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगा। और 1922 में एकादशी का दिन था, उनके पिता का श्राद्ध था, तो उस दिन वो नहा धो के तैयार हुए और अपने परिवार वालों को कहा कि आज मैं भी शरीर छोड़ दूंगा। और दोपहर तक उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया, उन्हें भी एहसास हो गया था कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे। सच में वो एक बहुत महान भक्त थे, हम उन महान भक्त को प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने गरीबी में भी खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, हमें शिक्षा दे गए कि हमें खुदा की रजा में राजी रहना चाहिए, हमें परेशान नहीं रहना चाहिए। बाबा उनकी बहुत मदद कर सकते थे पर उनके कुछ कर्म थे और बाबा चाहते थे कि उनके कर्म भुगतें। तो बस आज इतना ही, आप पर सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब लोग उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम भी जरूर लिखा करें, इससे हमें उत्साह मिलता है। मैं अब आपको बाबा के जो भी भक्त बाबा के साथ रहते थे उनके बारे में बारीकी से बताऊंगी।